ध्वज पूजन के साथ सेवढा में सनकुआ मेला शुरू। कार्तिक माह की पूर्णिमा को हर वर्ष लगाया जाता है मेला। ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों सनक सनंदन सनातन सनत की तपोस्थली सेवढा की सिंध नदी स्थित सनकुआ धाम में कार्तिक पूर्णिमा को प्रति वर्ष लगने वाले मेला का शुभारंभ बिना किसी तामझाम के साधारण रूप से सनकुआ मंदिर पर झंडा चढ़ाकर प्रारंभ हुआ। नगर परिषद सेवढा द्वारा संचालित किया जाने वाला ये मेला अंचल में बहुत ही प्रसिद्ध है और इस मेले में अनेकों सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों को संचालित किया जाता है। मेला का आयोजन नगर परिषद सेवढा द्वारा किया जाता है, किंतु इस वर्ष विधानसभा चुनाव के लिए लगी आचार संहिता एवं धारा 144 लागू होने के चलते मेला में परंपरागत ढंग से होते आ रहे हैं सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम इस बार नहीं हो पाएंगे। मेला में इस बार 400 से अधिक ज़्यादा दुकानें लगाई गई हैं, खासतौर से महिलाओं और बच्चों की उपयोगी सामग्री वाले बहुत सी दुकानें सजी हुई हैं। इसके अलावा खाने पीने के लिए अस्थायी होटल और रेस्टोरेंट और झूला आदि भी संचालित किए गए हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में कार्तिक स्नान को महत्व दिया जाता है। कार्तिक स्नान करने वाली हजारों महिलाएँ सनकुआ मेला में पहुंचकर सिंध नदी किनारे स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार से सुख शांति और समृद्धि की मन्नत मांगती हैं। सनकुआ मेला में हजारों लोग आते हैं, इसके लिए सुरक्षा के पर्याप्त उपाय पुलिस द्वारा किए गए हैं। सभी श्रद्धालु और कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखने वाली महिलाओं की सुरक्षा में NDRF और होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं। क्या नाम है बहन जी, कहाँ से आई हैं आप? मेरा नाम धंजा से आए हैं। मेरा नाम साक्षी, हमने जालौन जिला से आए, धंजा के रहने वाले हैं। कार्तिक स्नान हो रहा था इसलिए घर पर आए नहाने के लिए। ये कार्तिक स्नान के पूर्व में आप आए हैं या आज पूर्णिमा है? अक्सर लोग पूर्णिमा को यहाँ नहाते हैं क्योंकि यहाँ पे बड़ा महत्व बताते हैं पूर्णिमा के दिन, तो क्या आप कार्तिकी की पूर्णिमा ही को केवल नहाने आए हैं या वाकई में? ना, कार्तिकी पूर्णिमा को। अच्छा अच्छा, तो क्या महत्व है आज जो है आप नहा रहे हैं यहाँ पे? मतलब नहाती है दादी लोग तो हमें भी नहाए साथ में। अच्छा अच्छा, वो सब लोग आपके परिवार के लोग नहाते हैं साथ में, पता नहीं बाकी महत्व मालूम नहीं है। क्या नाम बताया आपने? मोहिनी सक्सेना। कहाँ से आई हैं आप? ग्राम धंजा से। किस जगह जिला में पड़ता है? जी आप ये बताएं कि आप यहाँ पर नहा रहे हो तो क्या महत्व है यहाँ का? यहाँ पर जैसे कि हम लोग कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं तो उन्हीं के यहाँ पे विसर्जन करने आए, उन्हीं के लिए नहाने। अच्छा, आज जो है ना ये जो कार्तिक की लास्ट मतलब ये 28 तारीख या 27 को यहाँ पर विसर्जन होना था ना? हाँ। ठीक है।